ये जो रोड है ना ये बहुत बदनाम है, मतलब लोग कहते हैं कि हम इस रोड में कभी चलाएंगे नहीं। हे दोस्तों, कैसे हो, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और अभी आप देख सकते हो मेरे पास बैग है, और बैग क्यों है क्योंकि मैं जा रहा हूँ नोएडा। नोएडा इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि नोएडा में मेरे रिलेटिव रहते हैं, क्योंकि मुझे कल जाना है यूट्यूब फैनफेस्ट के क्रिएटर कैंप में, क्योंकि मुझे भी मेल आ रखा है। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, मेल तो कन्फर्मेशन मेल तो मेरे पास आ गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वहाँ पे अंदर जाने के लिए पास की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। लेकिन मैंने अपने इंस्टाग्राम में मतलब ये चीज़ डिस्कस की, अगर मुझे फॉलो नहीं करते तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी, उस पर आगे फॉलो जरूर कर लो क्योंकि उसमें मैं सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ अपनी स्टोरीज में। तो उधर मुझे आप में से बहुत से लोगों ने सब बोला कि यार चले जाओ, मेल तो आ रखा है आपको, वहाँ पे जाकर बोलो शायद वहाँ पे आपको पास मिल जाए। तो मैं उनके कहने में हल्द्वानी से जा रहा हूँ नोएडा, कल सुबह जाऊँगा क्रिएटर कैंप में। और अभी आप देख सकते हो मेरे पास तीन बैग है, ये है मेरा कैमरा बैग, मेरा कपड़े वाला बैग, ये रहा लैपटॉप ताकि मैं आपको टाइम से ब्लॉग दे सकूँ। और मैंने एक नई चीज़ ली है, खैर मेरा बिस्तर देख लेना अभी ऐसी हो रखा है, ज़्यादा माइंड मत करना। ये देखो सेल्फी स्टिक, बहुत बढ़िया सेल्फी स्टिक है, और ये देखो लंबी भी हो जाती है, दिखाता हूँ जैसे ये है, देखो होगी लंबी, तो इसको भी मैं आज टेस्ट करूँगा देखे कैसी है, और ये ऐसे बंद हो जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट करे मेरे हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट मैं अपने कॉलेज का पेपर देकर आया हूँ, और पेपर ऐसे ही था क्या बताऊँ, बहुत अजीब सा था पेपर। लेकिन उसके वजह से पता हुआ कि मेरा दिमाग पूरा खराब हो चुका है, टाइम वैसे ही हो चुका है लगभग 2:18, तो मुझे निकालना चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे जाना है 300 किलोमीटर। तो अकेले जा रहा हूँ, मुझे पता थोड़ी बोरिंग सफर होने वाला है, लेकिन मैं आपको ले आ रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा एंटरटेन हो सकूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से चलना चाहिए सबको, मैं रखता हूँ गाड़ी में, ठीक है। और मैं जा रहा हूँ क्वीन में, स्कूटी में नहीं जा रहा इस बार जा रहा हूँ क्वीन में, तो सीधा चलते हैं रोड में। ऑलराइट दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो टाइम हो गया है 2:40, और आज मैं बहुत महीनों बाद अकेले जा रहा हूँ, और थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है, क्या करें, बस चलते हैं। दोपहर का टाइम है, गर्मी लगना स्टार्ट हो गई है, और अभी मैं हूँ ये नैनीताल रोड में, नैनीताल रोड से मैं सीधा निकालता हूँ ये नवाबी रोड से सीधा निकालूंगा रामपुर रोड, तो इससे मैं कम से कम बाजार के ट्रैफिक से तो बच ही जाऊँगा। अच्छा हुआ दोपहर का टाइम है, एकदम रोड खाली पड़ी हुई है, और मैंने रात में ही मैंने इसकी टंकी फुल करवा ली थी, मैंने लगभग 2150 रुपये में मैंने इसकी टंकी फुल करवा ली थी। तो अच्छा हो मुझे, क्योंकि इतना तो था कि भाई मैं कॉलेज से सीधा घर आऊँगा, मुझे सीधा निकलना है, तो मैंने रात में ही मैंने सारी चीज़ें कर ली थी। और वो सेल्फी स्टिक भी मैंने अभी उसके भी टेस्ट करता हूँ, मैंने कल रात उसको भी खरीद के लेकर आया हूँ। जैसे कि अभी ऑलमोस्ट 3 हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि लगभग मैं पहुँच जाऊँगा नोएडा लगभग 8:30 या 9 बजे तो पहुँच जाऊँगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि यार ट्रैफिक कैसा, क्योंकि जो रुद्रपुर के बाद से लेकर रामपुर तक का जो ट्रैफिक है वो थोड़ा ख़राब है, साथ में वहाँ की रोड भी ख़राब है। अगर आप कभी दिल्ली से नैनीताल की तरफ आए होगे तो आपको पता होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। साथ में जब ऑलमोस्ट हम हापुड़ पहुँच जाते हैं, हापुड़ से लेकर नोएडा तक पूरा ही ट्रैफिक रहता है। ऑलराइट दोस्तों, मैं रुद्रपुर पहुंच गया हूं, और अभी टाइम हो रहा है 3:20, लेकिन हाँ यार कुछ भी बोलो, जैसे अभी ये चल रहा है ना, पिछले कुछ समय में ना रुद्रपुर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, और आने वाले समय में तो यार रुद्रपुर मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है, काफ़ी अच्छा, मतलब जहाँ पे जो डेवलपमेंट चल रहा है ना, काफ़ी सोच समझ के किया जा रहा है, तो वो चीज़ देखे काफ़ी अच्छी लगती है। दोस्तों अभी मैंने जस्ट रुद्रपुर क्रॉस किया है, और मैं इसी रोड की बात कर रहा था, इन लोगों ने भले ही डामा डाल के रोड के गड्ढे भर दिए हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक ना यहाँ पे अपनी कार को लाना उसकी खुद की आत्महत्या करना जैसा हो रहा था, पता है, वैसे आत्महत्या खुद की होती है, मतलब वैसे ही था, पता, रोड की कंडीशन इतनी ख़राब थी। वो तो चलो अभी थोड़ा बहुत चलने फिरने लायक कर दिया, पहले तो मुश्किल से 20 या 30 की स्पीड में ही हम चला पाते थे, लेकिन अब थोड़ा मैं 40-50 में ला पा रहा हूँ यहाँ पे। और कभी आप इस रोड में नहीं आए होंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रामपुर से लेके रुद्रपुर तक की ये जो रोड है ना ये बहुत बदनाम है, मतलब लोग कहते हैं कि हम इस रोड में कभी चलाएंगे नहीं, क्योंकि गाड़ी की हालत बहुत ख़राब कर देती है ये रोड। अरे वाह यार, ये रोड कहाँ से आ गई भैया, वहाँ पे आप देख सकते हो उधर भी रोड का काम चल रहा है, इधर इन्होंने मतलब इसे प्लेन तो कर दिया, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, कम से कम गड्ढों वाली रोड तो नहीं है ये, बहुत अच्छा। बस मैं चाहता हूँ यार जल्द से जल्द उधर वाली रोड बने, और ये हाईवे एकदम बढ़िया करके शुरू हो जाए, भाई साहब मज़ा आ जाएगा यार, देखो काम चल रहा है वहाँ पे सब जगह, ये रोड, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस रोड में गाड़ी चला के। वो देखो मशीन लगा तो रखी है यहाँ पे, इससे ये रोड बनाई जा रही है सीमेंटेड वाली। Yes. 12 seconds later. Alright, दोस्तों मैंने रामपुर सिटी में पार कर चुका हूँ, और जो मैंने आपको अच्छी रोड दिखाई थी ना, जैसे आपके मुंह से निकलता है ना
वाह क्या रोड है, तो बस बस समझ गए हो मेरे हिसाब से। उसके बाद जो रोड खराब होती ना, मतलब कुछ किलोमीटर का वो जो पैच है वो वैसा ही है जैसा पहले था। तो अभी तक मैं घर से कर चुका हूँ लगभग 81 किलोमीटर, और अब मैं एंटर कर रहा हूँ मेन हाईवे बरेली मुरादाबाद हाईवे, और रामनगर पीछे छूट चुका है, और टाइम अभी 4:50 हो रहा है। तो अभी तक तो मेरी स्पीड सही चल रही है, मैं ज़्यादा तेज चला नहीं रहा, मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ। दोस्तों टाइम हो रहा है 5:50, अरे यार मेरे बाल पीछे से कैसे हो रहे हैं, और अभी मैंने जस्ट जोया क्रॉस किया है, अभी मैं रुका हूँ पानी ब्रेक के लिए। घर से मैं कर चुका हूँ ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर। हो पूरा अपडेट दे दिया मैंने आपको। मैं अभी थोड़ा सा बस ऐसे ही से रुका हूँ क्योंकि यार मैं बैठे बैठे थक गया, मतलब पीछे से ऐसा दर्द करने लग गया, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा पानी ब्रेक के लिए रुका जाए। देख सकते हो आप धूप ढलने वाला है। सो यार अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा पीछे का अभी भी दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों, बैठे बैठे थक गया मैं। तो चलते हैं इस पानी ब्रेक के बाद। अरे यार वहाँ पे ट्रैक्टर की ट्रॉली पलट गई है, सारा गन्ना इनका सड़क में गिर गया है। तो यहाँ पे अभी हम पेट्रोल पंप से रोड काट रहे हैं, वो देखो आगे दिख रहा है आपको, ये देखो कैसा गन्ना गिरा हुआ है पूरा। ऑलरेडी दोस्तों अभी मैंने जस्ट गाजियाबाद का टोल प्लाजा क्रॉस कर लिया है, और आप देख सकते हो अंधेरा हो चुका है, रात में आपको सड़क में दिखाने के लिए कुछ है नहीं। और आपको मैं एक खुशखबरी सुनाता हूँ, आप उससे जान के बहुत खुश हो जाओगे। जो लोग मुझसे कहते हैं ना भाई आप हर वीडियो में एक ही जैसे कपड़े पहनते हो, कपड़े तो चेंज कर लिया करो, तो एक खुशखबरी, कल मैं गया था अपने कपड़े लेने, तो वो देखने के लिए आप देखिए मेरा भूतकाल। ऑलराइट दोस्तों स्वागत है आपका भूतकाल में, ये रहा भूतकाल वाला कार्तिक, और अभी मैं आया शॉपिंग में। अभी आप देख सकते हो मेरे कपड़े क्या करें, ये देखो ऐसी इनकी हालत हो रही है, फोल्ड करके तो मैं पहन रहा हूँ। तो अभी मैं चेक करना ना ये वाला, तो देखते हैं ये वाला कैसा लगता है। तो 1 2 3 ऑलराइट मैंने पहना है ये वाला, बताओ कैसा लग रहा है, इसमें घोड़े बने हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी इनकी स्टाइलिंग, बताओ बना। मैं अभी एक और ट्राई करता हूँ, ठीक लग रहा है, कंफर्टेबल है, दूसरा देखता हूँ। ऑल राइट मैंने ली है ये वाली, ये आर्मी वाली मेरे को अच्छी लग रही है क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है, और दूसरी मैं ये वाली लेने सोच रहा हूँ। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इसमें जब जेब में चेन लगाने के लिए भी है, इसमें नहीं है, इसमें नॉर्मली हाथ से अंदर जाता है, लेकिन ये ज़्यादा कम्फर्टेबल है तो ये मुझे अच्छी लग रही है। 1295 मम्मी इसका बिल मेरे यूट्यूब वाले से काट लेना। अभी अभी निकालता हूँ एटीएम, अभी निकालता हूँ एटीएम, अभी जेब मेरा जेब का है, जेब का मेरी अच्छा लग रहा था ना मैं, आई नो। चलो अब मैं ऐसा करता हूँ सीधा मैं आपको घर चल के ही मिलता हूँ, क्योंकि अभी रोड में आपको कुछ दिखाने के लिए कुछ है नहीं। ऑलरेडी दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ क्या बोलते हैं सेक्टर 20 एलडीगो में, और टाइम हो रहा है 7:45, लेकिन मैं 8:30 बजे पहुँच गया था। मेरा सिर पता नहीं क्यों काफ़ी दर्द होने लग गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक मारना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता ब्लॉग कैसा बना होगा, मुझे पता है थोड़ा सिंपल बना है क्योंकि मैं मतलब कॉलेज से घर आया सीधा, फिर मैं निकल गया, फिर इधर पहुंचा, कुछ ज़्यादा मैं दिखाई नहीं पाया आपको। और फैन फैश का हिसाब किताब ऐसा है, देख लो आप पहले यहाँ पे लाइटिंग अच्छी आ रही है, तो इसलिए मैं ऐसे ही खड़े होकर बात करूँगा। तो आपके सजेशन में मतलब जो मेरे को इंस्टाग्राम और मुझे फेसबुक में जो आपके मैसेज आए थे, आप लोगों ने बोला कि एक बार जाके देख लो, तो मैं आ तो गया हूँ, तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कहीं ऐसा ना पास का सीन हो, पास कहाँ से मिलता मुझे भी नहीं पता, मेल आ रखा है, कन्फर्मेशन मेल आ रखा है, तो देखते हैं क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा, जैसे भी लगा है बता देना कमेंट करके, लाइक कर देना, जाते देख रहे हो नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कल मैं जाने वाला हूँ नेहरू प्लेस जहाँ पे फैन फेस्ट का क्रिएटर्स कैंप है। तो मेरा सिर हो रहा है हल्का दर्द, अगर एनर्जी डाउन है तो सॉरी। तो यार मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।